नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बाकी मसालों पे, और सबसे जो करंट इस टाइम पे दौड़ रहा है वो है जीरे में। तो इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है मुकेश जी भाटिया, कमोडिटी एक्सपर्ट। लोग जीरा को इस बार हीरा बताने लगे हैं और जीरे के भाव तो चांदी के बराबर भी पहुंचने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। तो क्या वजह है, जीरा इतना तेज क्यों बढ़ रहा है? नहीं, जीरे में पिछले साल से स्थितियां जो है बनी हुई है तेजी। पिछले साल जब बुआई हुई थी उस समय जो बुआई की कमी थी, इस वजह से 500 रुपए का टारगेट उसी समय दिया था। हालांकि टारगेट 2023 में पूरा हो रहा है, तो जीरा का 500 का टारगेट तो अभी आने को है। लगभग 440-50 में काम हो चुके हैं तथा आने वाले दिनों में 500 रुपए हो जाए, ऐसा बहुत जल्दी हो जाएगा। नागौर और उधर मेड़ता मंडी में तो एक बार अभी 5000 के आसपास बिक भी चुका है जीरा। नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है, ये रेगुलर क्वालिटी हमेशा तेजी मंदी के बाद रेगुलर क्वालिटी में होती है। हाँ, एवरेज अच्छी क्वालिटी का, वो कोई स्पेशली एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाए बात अलग है। स्पेशल धनिया जैसे पिछले साल भी जो है 280-290 के आसपास बिका था, इस साल भी जो है 310 रुपये तक बिक गया। लेकिन उन वो कोई क्वालिटी पैरामीटर नहीं है उनके, वो एक मन के सोते हैं कि माल पसंद आ गया, उसकी बिक्री हो तो आदमी ले लेता है। बाकी जनरल वे में जो एवरेज क्वालिटियाँ हैं, तेजी मंदी 450 के आसपास के भाव चल रहे हैं, तो तेजी मंदी इसी के ऊपर आकलन करके चल रहे हैं। अपन मई और जून में क्या अनुमान लगा सकते हैं, जीरा कितना ऊपर जा सकता है? नहीं, मई और जून में अभी फिलहाल तो 500 रुपये आ जाए, 500 से 550 के बीच में कुछ समय रुकना चाहिए। उसके बाद मौसम की स्थिति, डिमांड की स्थिति, जैसे इस साल जो है अनएक्सेप्टेड, जैसे पिछले साल धनिया अनएक्सेप्टेड रशिया से हमारे देश में आया था, उसी तरह इस साल जो है अनएक्सेप्टेड रूप से पिछले साल धनिया आया था, इस साल जीरा चाइना जा रहा है। अब चाइना क्या करेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाइना की लेवाली बाज़ार में बराबर बनी हुई है। हाँ ठीक है, नीचे भाव में लेवाली पूरे ज़ोर शोर से थी, अब लेवाली धीरे 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 आ रही है, लेकिन 500-550 का टारगेट जो दिया था वो तो लगभग आ जाएगा। उसके बाद अगला टारगेट 700 रुपये का मानते हैं, लेकिन उसके बारे में बात आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल तो एक बार 500 रुपये पूरा हो, 500-550 के बाद में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है या हमारे कहने से स्टॉक कर रखे हैं, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली उस जगह पे जाकर करना चाहिए। इसके बाद आगे ठीक है, पूरी दुनिया का धन आपको या हमको नहीं मिल जाता है, लेकिन 500-550 पे थोड़ा बहुत धन बोरियों में नहीं छोड़ना चाहिए, जेब में रखना चाहिए। कुछ ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जीरा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो नकली जीरा जो बनाने वाले डंठल से या झाड़ू के पता नहीं किससे बना रहे, तो वो भी मार्केट में इन दिनों बहुत सारे चलन में आ रहा है। बिल्कुल, वो तो पहले से भी होता आया, इस समय कुछ ज़्यादा होने लग गया है। इसके अलावा एक होलैंड से कार्वे सीड जो जीरे जैसा ही दिखता है, अच्छा, वो लास्ट ईयर जब तेजी आई तो वो माल भी नज़र में आया था तथा इस वर्ष भी उस माल का कुछ स्टॉक भारत में रखा हुआ है तथा वो थोड़ा बहुत तो एक मिक्सिंग का काम होता ही होता है, ओरिजिनल उसमें मिला करके लोग बेच रहे हैं उसको। हाँ, वो सब शुरू से होता है यार, जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे ज़्यादा तादाद में होगा और पब्लिक जिसको सस्ता चाहिए उसके लिए पूर्ति का साधन है ये। बिल्कुल, तो ऊंझा मंडी से अभी क्या रिपोर्ट आ रही है जीरे के बारे में? नहीं, जीरे के बारे में एक्चुअल में जीरे के साथ हुआ क्या कि जिससे मैं लास्ट ईयर से तेजी में था, इससे पूरी दुनिया तेजी में थी। पूरी दुनिया से मतलब है जो एक्सपोर्टर हैं, सटोरिए हैं, और कुल मिलाकर के जो जीरा है वो ऊंझा मंडी का हो या जोधपुर मंडी का हो या नागौर मंडी का हो, हर जगह सटोरियों
सटोरियागत व्यापार बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये व्यापार बढ़ेंगे उसका कारण है कि सटोरियों ने अपना एक तेजी का राउंड पूरा कर लिया और अच्छा रुपया कमाया है। और जैसा कि आपने पूर्व में कहा कि इस वर्ष जीरा कह रहे हैं हीरा बनेगा, तो जीरे को तो हमेशा हीरा ही कहा जाता था, हालांकि बीच में जब तेजी नहीं आई 5 साल तक 7 साल तक तो जीरो जीरो बीरी भी बोलना चालू कर दिया था। हाँ, जब भाव नहीं आया तब तो उस समय स्थिति तो ये स्थितियाँ तो देखो बाजार बढ़ेंगे तो नकली जीरा अदर चीज़ें मतलब बहुत सारे विकल्प जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे लोग, तो निश्चित रूप से वो तो शुरू से होता आया है। हाँ ठीक है, 500 550 में मैंने कहा कुछ मुनाफा वसूली करें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो बाकी मसालों की रिपोर्ट भी हमारे दर्शकों को आप बताएं किस किस में क्या चल रहा है माहौल। सौंठ के लिए मैं शुरू से जब भाव 120 से 130 रुपए थे तब से सौंठ के लिए बराबर मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपए बिकेगी, तो लगभग 300 350 के बीच के भाव आ चुके हैं। सौंठ ठंडी आइटम है और गर्मी में वैसे भी कम चलती है, दिवाली आते आते सौंठ भी 500 का टारगेट तो बड़े आराम से छू लेगी। मगज के लिए जैसा कि मैंने इस वर्ष के शुरू में मतलब लगभग दिसंबर के अंदर कहा था कि साहब मगज जो है मगज तरबूज 500 रुपए बिकेगा, तो लगभग 600 रुपए हो गए अभी भाव। इस बार तरबूज तो मगज में भी तेजी है, तरबूज मगज में ऑलमोस्ट जो है हमारे टारगेट भी पूरे हुए हैं, हालांकि अभी 700 रुपए धार के चल रहे हैं, लेकिन इन भावों पे अब जो है ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, इन भावों में माल लेते बेचते रहना चाहिए। और यह माल स्टॉक में रखा है तो निश्चित रूप से उस स्टॉक को अब निकालना श्रेयस्कर है। इसके अलावा एक सौंफ ऐसी आइटम है जिसमें हम लोगों ने इतनी बड़ी तेजी मतलब 200 रुपए तो धारे थे कि भाई सौंफ 200 रुपए हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी ना, उसने सौंफ को लेने का मौका दिया और कोई स्टॉक भी नहीं कर पाया और सौंफ लगभग 200 रुपए हो गए। 190 में गुजरात के काम मुद्रा पे उठ के हुए हैं तथा 200 रुपए डोमेस्टिकली राजस्थान से भारी मात्रा में कामकाज हो रहे हैं। सौंफ के अंदर भी वही स्थिति है, लेते बेचते रहें क्योंकि अब इन भाव में कोई भी रिस्क लेना जो है वो गलत है, माल लेते भी रहें बेचते भी रहें। यही हाल कसूरी मेथी का हुआ, जैसे हम लोग सौंफ मान रहे थे कि 120 से 140 के बीच में आएगी, लेकिन वो 140 भी बड़ी मुश्किल से आई लेकिन नहीं जैसी आई, वही चीज़ कसूरी मेथी में शुरू से कह रहा हूँ कि कसूरी मेथी इस साल जो है मंदी नहीं होगी। कसूरी मेथी जो सीजन के अंदर लगभग 140-145 रुपए के काम किए थे, वह कसूरी मेथी आज की तारीख में 190 रुपए तक के काम कर लिए, तो जब बाज़ार से 200 रुपए की आवाज़ें आना चालू हो गई है तो कसूरी मेथी में भी जो है प्ले कर सकते हैं। लेकिन प्ले का मतलब है कि अब ये सब मसाले जो है अपनी एक हाई रेंज पे आ चुके हैं, तो एक तो इन्वेस्टमेंट बड़ा लगता है, इसके अलावा बिक्री स्लो हो जाती है इन मालों की। लेकिन चूंकि 5 तारीख के बाद शादियों का सीजन वापस चालू होने वाला है, इसलिए जैसे मगज हुआ सौंफ हुई या अन्य मसाले हुए वो भारी मात्रा में प्रयोग होते हैं भारत के अंदर, तो वो निश्चित रूप से वो मसाले उपयोग भी होंगे और मसाले जब उपयोग होंगे तो बाज़ार में लेवाली भी बनेगी। बाकी अलनीनों के प्रभाव सभी में पड़ेगा जो क्रॉपें गुजरात राजस्थान या मध्य प्रदेश में पैदा होती है, तो अलनीनों के प्रभाव को यदि एक तरफ रख दें तो एक नॉर्मल वेग में जो हम लोगों ने विचार किया है वो टारगेट लगभग इन मसालों के आ चुके हैं। इसके अलावा कलौंजी और मेथी दोनों में, जो कलौंजी मेरा आइडिया था कि 200-220 रुपये सीजन में बिकनी चाहिए, वो कलौंजी लगभग 185-190 रुपये तक बिक गई है तथा बहुत जल्दी ये 200-220 भी बिक जाएगी। हालांकि बड़ा टारगेट में बात करें तो हम लोग 300 रुपये का टारगेट लेकर के चल रहे हैं,
कलौंजी साल 300 रुपये क्रॉस हो जाएगी। अभी जो वापस रमज़ान आएगा, इसका बकरा ईद वाला वो रमज़ान आएगा, तो फिर जो है बाज़ार चल पड़ेंगे। तो ये हाल मेथी का है, मेथी अभी 8,000 का टारगेट दे रखा था, जो 7,000 मतलब ऊपर में तो 7800 रुपये होकर के आ गई, लेकिन 7,000 समथिंग अभी चल रही है। ये भी जो है 8,000 का पहला टारगेट है, बाकी मेथी में 100-110 का टारगेट पकड़ के व्यापार करना चाहिए। धन्यवाद मुकेश जी, जो जानकारी आपने दी इसके लिए। ये दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।